प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। प्रश्न करता, माँ यदि किसी को स्वप्न में मंत्र मिले या दीक्षा हो तो वह मानी जाएगी या नहीं? माँ, ऐसा देखा जाता है कि किसी को स्वप्न में मंत्र मिला और मंत्र पाकर ऐसी धारणा उसकी बन गई कि दीक्षा शब्द से जो समझा जाता है वह उसे सर्वांगीण रूप से प्राप्त हो गया। दीक्षा के संबंध में उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। इस अवस्था में कहा जा सकता है कि उसकी दीक्षा ठीक ठीक ही हुई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो स्वप्न में दीक्षा पाकर संतुष्ट नहीं होते, उनमें एक अभाव बोध रह जाता है। ऐसी हालत में वह किसी महापुरुष के निर्देशानुसार पुनः दीक्षा ले सकता है। प्रश्न करता, मां देखा जाता है कि अभाव की अनुभूति ही सब यंत्रणाओं की सृष्टि करती है। मां, यंत्रणा क्या है? जब तक अपने को उनके हाथ का यंत्र नहीं समझोगे तब तक ही यंत्रणा है। गुरु दीक्षा देकर शिष्य को मंत्र जप करने को कहते हैं और जप का फल गुरु को अर्पण करने को कहते हैं। वह फल कैसे जमा होगा इसकी व्यवस्था गुरु ने अपने हाथों में रखी है। गुरु के पास जप का फल देने से गुरु उसे जमा करके रखते हैं। बाद में शिष्य का कर्म अर्थात जप पूरा होने पर वह सब फल अनुभूति के रूप में शिष्य को लौटा देते हैं। प्रश्न करता, माँ आप कुमारी तत्व के बारे में कुछ बताइए। माँ, कुमारी पवित्रता और शक्ति की पूर्ण मूर्ति है। जिसमें सृष्टि और जिसमें लय होता है वही कुमारी। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश की सृष्टि की वे ही कुमारी। इसलिए उनको आद्या शक्ति और कोई महाशक्ति भी कहते हैं। यह पवित्र और शुद्ध है। प्रश्न करता, माँ यदि कोई किसी एक पथ का अनुगमन करके पूर्णत्व प्राप्त कर ले तो दूसरे रास्ते से साधना करके यह पूर्णत्व मिल सकता है कि नहीं? उसको क्या फिर से साधना करनी पड़ेगी? माँ, ना, क्योंकि पूर्णत्व के बीच में ही सब है। यह अवस्था लाभ होने से और द्वंद नहीं रहता। जैसे किसी ने देवी की साधना प्रारंभ की और उस साधना के चलते उसका नया रास्ता खुल गया और उस रास्ते पर उसने संभवतः हनुमान या राधा की साधना शुरू की। जब तक साधन चलता रहता है तब तक तो साधन पथ पर ही रहते हैं। एक बार यदि पूर्णत्व पर पहुंचा जाए तब और साधन कहां? प्रश्न करता, माँ मैं एक समय त्राटक साधना करता था परंतु उसके करने से आंख में दर्द होता था इसलिए अब छोड़ दी। क्या फिर से त्राटक साधना प्रारंभ करना चाहिए? माँ, सब पथ सबके लिए नहीं। सभी साधनाओं का उद्देश्य है एक लक्ष्य होना, मन स्थिर होना। वह त्राटक द्वारा हो या माला द्वारा ही हो, श्वास की ओर लक्ष्य रखकर नाम द्वारा हो या माला या हाथ की सहायता से जप करके हो। जो श्वास भगवान में लगाना होता है वह पत्थर में लगाना हो रहा है। स्वभाव की ओर ना मिलने से अभाव की ओर जाना पड़ता है। जितना अभाव की ओर जाओगे उतना ही नया नया अभाव उत्पन्न होगा। यही अभाव का स्वभाव है। श्वास प्रश्वास मन और मंत्र यह तीन का योग होता है। श्वास प्रश्वास तो चल रहा है और उसके साथ मंत्र भी चल रहा है किंतु मन कहाँ चला गया? जिससे मन सर्वांश में श्वास और मंत्र के साथ युक्त हो उसी की चेष्टा करनी चाहिए। एक बार यदि मन सर्वांश में युक्त हो जाए तब जो प्रकाश होने को है वह प्रकाश हो जाता है। तदुपरांत मां पराभक्ति की अद्भुत व्याख्या कर रही हैं। प्रथम, यह ठाकुर जी का कमरा है, इसे शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। ठाकुर जी को पूजा भोग निवेदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए इत्यादि। यह सेवा करते करते विचार आता है, मेरे ठाकुर क्या इतने ही मात्र हैं? वे क्या केवल ठाकुर जी के कमरे में ही हैं?
उसके बाहर और कहीं भी क्या नहीं है। उनकी सेवा पूजा करते करते यह भाव आ जाता है कि उन्हीं का सब है। द्वितीय, उसके बाद ऐसा होता है कि पूजा के बर्तन मलने बैठकर दर्शन हुए ठाकुर जी के, सुप्तावस्था में शैया के निकट खड़े हैं ठाकुर जी। देखो, पहले मन में यह भाव रहता है कि ठाकुर जी ठाकुर घर में हैं, फिर क्रमशः वे इधर उधर देखते दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद फिर स्थान अस्थान नहीं, जिधर दृष्टि जाती है सर्वत्र ठाकुर ही दिखते हैं। पेड़ पर ठाकुर जी बैठे हैं, जल में खड़े हैं, पशु पक्षियों में ठाकुर जी दिखाई देते हैं, किंतु उस समय भी ठाकुर जी को कहीं कहीं ही देखते हैं, सर्वत्र नहीं। तृतीय, इसके अनंतर ठाकुर जी फिर पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, जहां जाओ ठाकुर जी साथ ही साथ लगे रहते हैं, अनुभव में भी रहते हैं। चतुर्थ, तदनंतर क्या होता है, पेड़ के आकार प्रकार का प्रकाश भी ठाकुर जी ही हैं। पहले थे सब वस्तुओं में ही ठाकुर जी, अब मध्य में नहीं हैं, ठाकुर ही ठाकुर हैं। पेड़ पत्ते जल स्थल ठाकुर ही ठाकुर हैं। तब उनका प्रकाश क्या रहता है, आकार में प्रकार में प्रकाश में जो कुछ है ठाकुर जी ही हैं, और तो कुछ है ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि इसी एक अवस्था में कोई शरीर व्यतीत कर दे सकते हैं। पंचम, जब सब ठाकुर ही ठाकुर हैं, तब यह शरीर भी ठाकुर है, वे हैं एक सत्ता। इस अवस्था में जहां ध्यान मग्न होता है, वहां हाथों से फिर सेवा पूजा होती नहीं। एकमात्र वही तो हैं, स्वयं फिर पृथक नहीं है। वेदांत क्या कहेगा, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। फिर उस स्थान में रहकर भी किसी को प्रभु दास, वे पूर्ण है, मैं अंश हूं, फिर वही एक आत्मा है। यदि ब्रह्म को कहा जाए कि कृष्ण की अंग कांति, तो आपत्ति क्या है, अभिन्न अभेद ही तो सब है। इसको पाकर फिर कहते हो ना, अवगाहन स्नान है। षष्ठ, इसे प्राप्त कर फिर सेवा पूजा करते हैं, सेवा पूजा लिए रहें, वे प्रभु हैं मैं दास हूं। महावीर ने कहा था मैं और वे एक हैं, किंतु वे पूर्ण हैं मैं अंश हूं, वे प्रभु हैं मैं दास हूं। यहां पूर्ण भी पाया और दास भी पाया। जहां एक आत्म स्वरूप है, वहां वे प्रभु हैं मैं दास हूं। यह भाव लेकर भी कोई रहे तो आपत्ति क्या है। पहले रहे रास्ते में, पाने के लिए उन्मुख, अब प्रकाश के बाद वे सेवा करते हैं। इसे प्राप्त कर सेवा ही सेवा है। इसे चाहे मुक्ति कहो या पराभक्ति कहो, चाहे जो कहो। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।